सच न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सानी। तो दर्शकों, आपको बताते चले कि इस टाइम हम आरएसपुरा में मौजूद है। अगर बात करी जाए तो हम हनुमान चौक में हैं। तो हनुमान चौक की अगर बात करी जाए तो हनुमान चौक हनुमान जी की मूर्ति के बाद ही नाम पड़ा था, हनुमान चौक। और अगर इस मूर्ति की बात करी जाए जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हनुमान जी की मूर्ति खुद प्रकट हुई है यहाँ पर, यहाँ के लोगों का दावा है। और ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है, यानी कि ये प्राचीन मूर्ति है और ये प्राचीन मंदिर है। तो दर्शकों, आप भी दर्शन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सब इस मूर्ति के दर्शन कर सके, हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर सके। क्योंकि ये मूर्ति कोई बनावटी नहीं है, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, ये खुद प्रकट हुई है यहाँ पे। तो अभी हम इस मंदिर के बारे में पुजारी जी से भी बात करेंगे कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है, जो कि इतना प्राचीन मंदिर है और हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पे खुद प्रकट हुई है। तो दर्शकों, आप पहले यहाँ पे दर्शन करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये मंदिर देखें, आप श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी हैं, साथ में सीता माता भी हैं। यहाँ पे आप पहले मंदिर के दर्शन कर लें, तो उसके बाद हम पुजारी जी से बात करेंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब। तो आइए अब हम पुजारी जी से बात करते हैं। राम राम पुजारी राम जी। राम राम जी, राम राम। पुजारी जी, पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तो अभी जो नया मुझे मिला है, स्वामी रविंद्रानंद गिरी जी मिला मुझे जी। तो पुजारी जी, सुनने में ये आया है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना, और साथ में हमने ये भी सुना है कि ये मंदिर एक मतलब कुएं के ऊपर बना हुआ है। जी 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 जी, सच्चा ये बात, सच्चा यही है। तो इस कुएं के नीचे तला है? तला तो नहीं है। तो ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का क्या रहस्य है? ये मूर्ति खुद प्रकट हुई है, ये किसी ने बनाई नहीं है, या किसी ने बनाई, स्वयं प्रकट हुई है, आप शंभू है, खुद प्रकट हुई है। तो ये कितना पुराना मंदिर होगा? इसकी कोई नहीं कह सकते कितना पुराना है, काफ़ी पुराना, ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है, हर जो भी कोई श्रद्धा लेके यहाँ पे आता है, हर किसी की यहाँ पूरी होगी। तो हम साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने अभी बताया कि यहाँ पे अगर कोई भी आता है तो उसकी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे, तो हम ये भी जानना चाहेंगे साथ में कि जैसे कि मुरादें तो पूरी होती हैं, इसके अलावा इस मंदिर में कुछ और खास है? क्योंकि मेरे गुरुजी यहाँ पे रहते थे, गुरुजी के पहले भी एक संत था, तो जो गुरुजी को मिलने यहाँ पे आए थे, तो गुरुजी ने उन्होंने बोला कि चलो कि यहाँ पे बैठ, तो मैं आता हूँ, तो वो चले गए। तो उनके बाद गुरुजी यहाँ रहे हैं, गुरुजी के हाथों सारा निर्माण हुआ मंदिर का, ये उन्हीं की देन है सारी है। तो अभी वो अपना 90 उनकी एज थी, वो अभी वो ब्रह्मलीन हुए हैं, वो अभी उनकी समाधि भी वहाँ बनी हुई है। तो जय श्री राम। महाराज जी, ये यहाँ पे हनुमान जी के आगे जो भी आप मन्नत यहाँ जो भी बोलोगे, आप दिल से बोलोगे, आप अर्जी लगा के जाओगे, तो आपकी स्वयं पूरी होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या आपको बोलूँ, यहाँ की बात करनी भी नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इनका यहाँ पे जो भी यहाँ मुराद लेके आया है, उसकी मुराद मनोकामना पूरी यहाँ पे यही बना। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये इसकी तुलना भी की जाए तो बड़ी कम है। तो पुजारी जी का कहना है कि इस मंदिर की तुलना नहीं की जा सकती, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर किसी की जो भी कोई आकर अर्जी लगाता है और उसकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होती है। तो दर्शकों, मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपनी अर्जी यहाँ पर लगा कर देखें कि आपकी मुराद पूरी होती है या नहीं। तो एक बार फिर से आप दर्शन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।